जय जगन्नाथ रोकठोक को आपन को स्वागत करछी मु दुर्गाशीष। आज डिबेट आरंभ कला बेलू मो कंठ बाष्परुद्ध हो जाए जे ये कहानी नुह ये सत कथा छाती थरा कथा जितेबले अंकिता रिएक्शन दौले अर्गसर पूरा न्यूज रूम स्तब्ध हो जाता जे भरतपुर भलिया गोटे मॉडल थाना भितर जड़े युवती को एभली अकथनीय अत्याचार सांघातिक अभियोग विशेष किसी कहीपरुनी आपण भी शुणिले आपण छाती भी थरी उठिव जे गोटे थाना रे को भली भावे निर्यातना दि जाइथार सांघातिक अभियोग आसी। प्रथमे दर्शक बंधु को राज्यवासी को शुणेवी जे अंकिता जे उर्वी सहित से दिन थाना को जाते अभियोग नहीं कि शनिवार दिन किंतु से राति काल राति थिला से थाना भितर कौन कौन होता से डिटेल्स रे कहते प्रथम शुणा अंकिता प्रधान अंकितांकर से लोमो टांकुरा अभियोग से कांदी कांदी कहते चिले चिले कहते प्रथम शुणी नियंतु अंकिता बयान टी शुणु। मैं थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा तार के मेरे में किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के आईआईसी है वो आए और उन्होंने मेरा पर किया अपना पर किया और अपना काल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा आर्मी अथॉरिटीज एंड मीडिया एंड एम्स उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी। दैट इज द रीजन अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इन टू जेल 15th को रात को अराउंड 1 o'clock 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी उनसे जैसे भी बच बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला मेरा कंप्लेंट लॉज करने के लिए बोला क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना ये उनकी ड्यूटी है तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में ये अनलॉफुल है आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक दो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के ज़ोर से खींच खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही प्लीज़ स्टॉप मत कीजिए ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई जहाँ उनके हाथ दिखे एंकल्स दिखे मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा तार के मेरे पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पर किया अपना पर किया और अपना
करके मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा, आर्मी अथॉरिटीज एंड मीडिया एंड अश्लीलता तो सब सीमा टपी जाते। आम बीप साउंड ये जे आम शुणे पार्बुन ये जड़े भूणी आज्ञा। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।